पहले शम्मी हुसैनी अस्पताल और फिर गाजीपुर का मशहूर गजल होटल। एक वक्त था कि गाजीपुर में ये दोनों जगहें रसूख और दबंगई का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन वो वक्त अब बीत गया है। पहले बारी आई गंगा किनारे अवैध तरीके से बनाए गए शम्मी हुसैनी अस्पताल की, और रविवार सुबह गजल होटल को निपटा दिया गया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटों के नाम से संचालित गजल होटल पर सुबह 6:30 बजे बुलडोजर चलना शुरू हो गया। होटल के दूसरे तल, सीढ़ी व अन्य अतिक्रमण के हिस्से को एडीएम व एसपीसीटी की देखरेख में ध्वस्त कर दिया गया। शनिवार को देर शाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अपीलों को खारिज कर दिया था। इसके बाद से गजल होटल को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया था। इस कार्रवाई को लेकर महुआबाग इलाके में पूरी रात अफरा तफरी मची रही। जिला प्रशासन सुबह होते ही गजल होटल पर बुलडोजर चलाने लगा। गजल होटल के पास सुबह ही आला अफसरों के साथ पुलिस, पीएसी व प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने 5 पोक लेन मशीनों द्वारा गजल होटल के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। सदर एसडीएम की कोर्ट ने बीते 8 अक्टूबर को 1 सप्ताह का समय देते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद होटल मालिक हाईकोर्ट चले गए। यहां उन्हें जिलाधिकारी के यहां अपील दाखिल करने का आदेश मिला। 23 अक्टूबर को गाजीपुर डीएम के सामने अपील दाखिल की गई। बीते सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ सका। शनिवार को एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान बोर्ड ने अपील को खारिज कर दिया। गजल होटल के पहले तल को गिराने से पहले इस पर चल रहे एचडीएफसी बैंक को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।